हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत तो आप फिर से होंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं कि रमीज राजा ने मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है और मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली है। दोस्तों आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट क्रिकेट से वापस ले लिया और रमीज राजा ने अचानक बड़ा फैसला कैसे दे दिया है। तो दोस्तों तफसील के साथ जानेंगे इसी छोटी सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों ने छोटी सी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट के हवाले से जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि इंग्लैंड के खिलाफ अगले माह सीरीज होने जा रही है, उस सीरीज में मोहम्मद आमिर भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं कि रमीज राजा का कहना था कि पाकिस्तान की टीम में कोई फास्ट बॉलर मौजूद ही नहीं, एक बॉलर मौजूद था शाहीन शाह अफरीदी, जो अभी तक वो जख्मी पड़े हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, इसी वजह से मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों का मजीद क्या कहना है मोहम्मद आमिर के हवाले से, क्या वो खेले या ना खेले कमेंट में बताएं।